आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक इंडियन ओशन के प्रोजेक्ट की बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ध्यान से समझिएगा कि हम ओशंस को स्टडी करना कितना ज्यादा जरूरी है। धरती का 75% तो ओशंस है, मतलब वाटर है, 97% जिसमें से इम्प्योर है, सिर्फ 3% प्योर है। तो ओशंस बहुत इंपॉर्टेंट अगर हमको क्लाइमेट चेंज के बारे में समझना है। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आप जरूर अवेल करें और इंस्टा पे मैं आ गया, मुझे यहाँ पे फॉलो करें। तो 30 मेंबर की टीम है, साइंटिस्ट रिसर्चर्स फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी जो कि पणजी में है, गोवा में। और 30 क्रू मेंबर्स हैं जो रिसर्च वेसल सिंधु साधना को ऑनबोर्ड करेगा और अगले 3 महीने 10,000 नॉटिकल माइल्स इंडियन ओशन में टहलेंगे ये, और उसके बाद देखेंगे कि ओशन काम कैसे करता है, सैंपल कलेक्ट करके लेके आएंगे। 25 करोड़ का लगभग लगभग ये प्रोजेक्ट है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको ओशन की बायोकेमिस्ट्री समझनी है कि ओशन काम कैसे करता है। पॉल्यूशन को अगर समझना है, न्यूट्रिएंट स्ट्रेस को समझना है, क्लाइमेट चेंज को समझना है, तो ओशंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2-3 साल पहले इस प्रोजेक्ट को कंसेप्चुलाइज किया गया और अभी 3 साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, ठीक है। तो रिसर्च है क्या, विशाखापट्टनम से इस रिसर्च को फ्लैग ऑफ, ये प्रोजेक्ट को फ्लैग ऑफ किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि टीम ऑफ 30 साइंटिस्ट और रिसर्चर्स है जिसमें 6 औरतें हैं, ये इंडियन ओशन में जाएंगी और उसके बाद इंडियन ओशन जो इंडिया का ईस्ट कोस्ट है ऑल द वे टू ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद पोर्ट लुइस मॉरिशस में, और उसके बाद फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान और टू द बॉर्डर ऑफ द पाकिस्तान जो भारत का वेस्ट कोस्ट है। मतलब ये सबसे पहले किधर, इंडियन ओशन से निकले, इंडियन ओशन से निकले ऑल द वे टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ गए, पोर्ट लुइस आएंगे, फिर उसके बाद फाइनली अप टू द बॉर्डर ऑफ द पाकिस्तान जो भारत का वेस्ट कोस्ट है। अब ये ओशन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सैंपल्स लेके आएंगे ताकि उसके जीनोम को मैप किया जा सके। जो वेरियस स्ट्रेच ऑफ द ओशन है एट एन एवरेज डेप्थ अबाउट 5 किलोमीटर, नीचे भी जाएंगे ये, तो ओशन के नीचे से भी 5 किलोमीटर तक नीचे जाके सैंपल्स लेके आएंगे, वहां से भी सैंपल कलेक्ट करेंगे, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। 10,000 नॉटिकल माइल्स का पूरे स्ट्रेच है, इतना एरिया कवर करने वाले हैं। जिस तरीके से हम ब्लड सैंपल को कलेक्ट करते हैं ताकि इंडियन, ताकि ह्यूमंस की बॉडी को समझ सके, जीनोमिक सीक्वेंस मैप कर सके, जीनोमिक सीक्वेंस के आरएनए डीएनए, तो यहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सैंपल्स को लाया जाएगा, सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे ताकि जीनोमिक सीक्वेंसिंग को मैप किया जा सके, आरएनए डीएनए को मैप किया जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन मरीन रिलेशनशिप्स के लिए, रिलेशनशिप के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनआईओ के डायरेक्टर सुनील कुमार सिंह एक्सप्लेन करते हैं कि ये साइंटिस्ट ये सब क्यों है, ताकि हमारा इकोसिस्टम, ओशन का इकोसिस्टम, इंडियन ओशन का इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है, इंटरनल वर्किंग ऑफ द इकोसिस्टम ऑफ द इंडियन ओशन, यही, इसी को ही हमको समझना है कि चल क्या रहा है ओशन में, अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो जो फैक्टर कंट्रोल करते हैं, आरएनए डीएनए चेंज होता है ओशंस में, तो कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से ये चेंज आ रहा है, तो इन सबको स्टडी करना मेन एम है। उसके बाद साइंटिस्ट क्या करेंगे, कुछ मिनरल्स और एलिमेंट का या तो एक्सेस होता है या लैक होता है, ठीक है। ओशंस में भी बहुत सारे मिनरल्स एलिमेंट हमारी, जो देखिए ज्योग्राफी से डरिए नहीं, ज्योग्राफी सबसे बेहतरीन, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं आपको आज मैं बता रहा हूं, आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, आप अपने आप दिमाग लगा लो, अपने आप समझ जाओगे। एक ज्योग्राफी है, एक इकोनॉमिक्स है, साइंस भी कुछ हद तक, फिजिक्स भी कुछ हद तक वैसे ही है, बस आपको दिमाग लगाना है, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, बस दिमाग से आप समझ लोगे। हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, विदाउट उसके आप नहीं, पॉलिटी में ऐसा नहीं होता, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ज्योग्राफी में समझ लो यार, वो बहुत ही आसान है, ठीक है। हमारे यहां 2 फ्लोर है ना, एक ओशियानिक फ्लोर है और एक कॉन्टिनेंटल फ्लोर है, ठीक है, जहां पे कॉन्टिनेंट तैर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो यही तो लग रहा है ना कि कॉन्टिनेंट जो है वो पानी पे तैर रहे हैं, क्योंकि 75% तो वाटर है। तो आप ये देखो कि ये जो ओशन है इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, तो कभी इनका एक्सेस हो सकता है, कभी इनका लैक हो जाता है। अब ये जो सैंपल हम कलेक्ट करेंगे उसमें ये भी देखेंगे कि वो क्या फैक्टर्स हैं, कहीं पे हम देख रहे हैं कि मिनरल्स ज्यादा है
और कहीं पे ये कम है, और इसके सॉल्यूशंस क्या है, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्या है, ये भी हम जानेंगे। और उसके बाद ओशन की एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी, आरएनए डीएनए की लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जो कि हमको आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में बेनिफिट करेगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है, बहुत ज्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो अच्छी बात है ना। हम देखेंगे कि इंडियन ओशन कैसे चेंज हो रहा है, क्या क्या है ओशन में, ढेर सारे मिनरल्स होते हैं, सिलिकेट्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, आयरन होता है, बहुत सारे मिनरल्स एलिमेंट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करके देखेंगे कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन मिनरल्स को अडॉप्ट कर चुके हैं। एटमोस्फेरिक कार्बन को स्टडी करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, ये भी देखा जाएगा मिनरल्स को स्टडी करके, कौन से पार्ट ऑफ द ओशन में मिनरल्स ज्यादा है। हो सकता है कहीं पे सिलिकेट ज्यादा हो सकता है, कहीं पे सल्फेट ज्यादा हो, कहीं पे आयरन ज्यादा हो, ये भी देखना है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम स्टडी कर रहे हैं, मेटल्स को ट्रेस क्यों कर रहे हैं, मरीन प्लांट एनिमल लाइफ, इनका मकसद क्या है। कैडमियम कॉपर जो दैट आर सप्लाई टू द ओशन, कॉन्टिनेंटल रन ऑफ, कॉन्टिनेंट्स का रन ऑफ होता है ना, लगातार कॉन्टिनेंट जो है वो रन ऑफ करते रहते हैं। पानी जो है भाई, आप देखते ही हैं कि ये जो कॉन्टिनेंट्स है, ये कॉन्टिनेंट है और ये जो समुद्र है इनसे टच करता है, रन ऑफ होता है ना, रन ऑफ आप समझ रहे हो ना, जैसे आप मिट्टी है, मिट्टी तो आप पानी डालो तो क्या मिट्टी हटती रहेगी, रन ऑफ होता रहेगा वो। तो ऐसे कॉन्टिनेंट्स भी हमारे लगातार रन ऑफ होते रहते हैं, एटमोस्फेरिक डिपोजिशन होता रहता है। अब भैया एटमोस्फियर इज मेडअप ऑफ एलिमेंट्स, इट इज मेडअप ऑफ मिनरल्स, सिंपल सी बात है। हाइड्रोथर्मल एक्टिविटीज होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, बहुत कुछ चल रहा है समुद्र, हमारे धरती के नीचे बहुत कुछ चल रहा है, ढेर सारी रिएक्शंस है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इंटरैक्शन होता है, जो कि ओशन प्रोडक्टिविटी के लिए एसेंशियल है और हम उसको स्टडी करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पे मैं आपको बता दूं, एनआईयू का एक बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट आया है कि वो ये भी बोल रहे हैं कि देखो, ओशन के जीनोम को एक्सप्लोर करना, इससे हम कमर्शियल बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है, क्योंकि देखिए हम यहां पे ऑलरेडी हमारी टैक्सोनॉमी है, ठीक है, हमने एक पूरी लाइब्रेरी बनाई गई है, लाइब्रेरी बनाई हुई है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, पूरी दुनिया भर के हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं और जो जो पता लग रहा है उनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब उसको हम कमर्शियली भी यूज कर रहे हैं, सेम गोज विद द ओशन। ओशन इकोलॉजी की बात करें तो यहां पे भी दोस्तों कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम ये स्टडी कर रहे हैं या मिनरल्स को, उनका कमर्शियल एप्लीकेशन क्या हो सकता है वो भी हम देख सकते। तो अल्टीमेटली ये हमको ही हेल्प करने वाला है, इट विल हेल्प द ह्यूमंस। तो यही बता रहे हैं कि एंटी कैंसर ट्रीटमेंट हो गया या कॉस्मेटिक हो गया, इंडस्ट्रियल एंजाइम हो गया, एंटीवायरल मॉलिक्यूल्स हो गया, ये सब हम कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं जब हमको पता चलेगा कि इसका ये फायदा है, समझ रहे हो। तो इसीलिए फॉर द होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशन, ये प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 महीने तक चलेगा ये, वैसे 2-3 साल लगेंगे पूरे प्रोजेक्ट में, 3 महीने तक चलेगा। और रीफ्यूलिंग जो है, फ्यूल भी तो वेसल है ना ये, तो फ्यूल भी तो भरवाना पड़ेगा, तो मॉरिशस में होगा, विशाखापट्टनम से निकलेंगे, उसके बाद सीधा हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया और देन वेस्टवर्ड टू दी मॉरिशस और फिर पाकिस्तान बॉर्डर पे आएंगे। बहुत सारे स्टेजेस है और सैंपल जो है दैट विल बी कलेक्टेड बाय लोअरिंग अ केवलार केबल। केवलार केबल को नीचे डाला, सैंपल उठाया, 8 किलोमीटर तक नीचे डाला, मैंने शायद बोला था वो नीचे जाएंगे, आई एम रियली सॉरी, कोई डाइविंग नहीं करेगा, केवलार केबल को नीचे डाला जाएगा और वहां से 8 किलोमीटर तक नीचे डाला जाएगा और उसके बाद फिर हम सैंपल को कलेक्ट करेंगे। 24 टेफ्लॉन कोटेड बॉटल्स हैं ताकि सैंपल्स को कलेक्ट किया जाए और उसके बाद इनको लैब्स में भेजा जाएगा, टेस्टिंग होगी और फिर हमारे सामने रिजल्ट आएंगे। तो अच्छा है ये, इस तरीके के प्रोजेक्ट होते रहते और होने भी चाहिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,500 सब्सक्राइबर है, आप इसको ज्वाइन करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।